हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबके साथ घी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ कि हम घर पे ही अच्छी तरीके से घी कैसे बना सकते हैं। तो ये मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत दिनों से मुझे कुछ व्यूअर्स ने कहा था कि आप घी की रेसिपी शेयर कीजिएगा, लेकिन मैं कर ही नहीं पाई। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, हम घर पे एकदम सिंपल तरीके से अपने दूध के ऊपर की जो मलाई होती है उसे जमा करके रख के फिर उससे हम लोग कैसे घी बना सकते हैं, ये मैं आज आप सबको बताऊंगी। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। जो सब्सक्राइब का रेड कलर का जो बटन आता है उसे आप क्लिक कीजिएगा। उसी के साथ में उसके पास में जो बेल आइकन होगा आप उसे भी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले हर वीडियोज की नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ ही साथ में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे एक लाइक दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको ये नेक्स्ट रेसिपी किस चीज़ की लगती है। तो चलिए देखते हैं घी कैसे बनाना है। तो फ्रेंड्स, ये रही मलाई, ये कुछ 10 दिन की मलाई है मेरे पास जमा हो गई है। ये मैंने डिब्बे में स्टोर करके रखी थी। तो हमें जो मलाई है उसे फ्रीजर में स्टोर करना है एक एयरटाइट डिब्बे में, जिससे हमारी मलाई में से बदबू ना आए। नहीं तो अगर ज़्यादा दिन तक मलाई रखो तो वो थोड़ी स्मेली टाइप की हो जाती है। तो फ्रेश मलाई को अगर मलाई को वैसे ही फ्रेश रखना है 8 दिन 15 दिन के लिए तो हमें इसे फ्रीजर में स्टोर करना चाहिए। तो मैंने इसे इसमें इस बर्तन में ट्रांसफर कर दिया है। अब हम इसे गैस पे चढ़ा देंगे। गैस का फ्लेम मैं ऑन कर लूंगी और 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे फुल फुल फ्लेम पे पकने देंगे। आप देख सकते हैं मलाई मेल्ट होना चालू हो गई है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हमारी मलाई पूरी तरह से मेल्ट हो गई है। तो अभी हमें ऐसे फुल फ्लेम पे ही इसे पकने देना है कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए। बस हमें इसे बीच बीच से इस तरह से चलाना पड़ेगा ताकि जो मलाई में से जो खोआ बनेगा वो जाके हमारे बर्तन के बॉटम में ना चिपक जाए, इसलिए हमें थोड़ी थोड़ी देर में इसे चलाते रहना पड़ेगा और इसे फुल गैस पे ही हम लोग पकने देंगे। फ्रेंड्स, वैसे तो हमें स्टील के बर्तन में घी बनाना चाहिए क्योंकि अगर जर्मन के मतलब कि एल्यूमिनियम के बर्तन में हम लोग बनाते हैं तो ये जो इसका खोआ निकलता है ये इसके बॉटम में आजू बाजू में चिपक जाता है, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन अभी मेरे पास इस साइज़ का कोई स्टील का बर्तन नहीं था, इस वजह से मैंने ये एल्यूमिनियम वाला लिया है। तो मैंने अभी गैस का फ्लेम थोड़ा कम कर दिया है। अब हम इसे फिर से 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही पकने देंगे। सो फ्रेंड्स, इसे पकते पकते 5 से 10 मिनट हो गए हैं तो इसकी क्वांटिटी भी थोड़ी कम हो गई है और आप स्पून पे देख सकते हो ऑयल के हल्के हल्के से डॉट लग रहे हैं, वो हमारा घी है। इसका मतलब है कि हमारा घी बनना स्टार्ट हो गया है। अभी हमारा घी और खोआ दोनों अलग अलग हो जाएगा तो इसे अभी हमें और 10 मिनट के लिए पकने देना पड़ेगा, लेकिन हमें इसे चलाते रहना पड़ेगा नहीं तो ये बर्तन के तले से चिपक जाएगा। सो फ्रेंड्स, मैंने इसे स्टील के बर्तन में ट्रांसफर करा लिया है, इसकी क्वांटिटी अभी कम हो गई है तो इस बर्तन में ये आ गया है। जिस बर्तन में इसे पका रही थी मैं ये उसके बॉटम में बहुत चिपक रहा था, इस वजह से आप भी स्टील का ही बर्तन यूज कीजिएगा। तो मैंने अभी इसे ट्रांसफर कर लिया है, इसे और पकने देना होगा। आप स्पून पे देख सकते हो थोड़ा थोड़ा घी जमना स्टार्ट हो गया है। तो हम इसे और 5 मिनट के लिए पकने देंगे, फिर से हम इसे चलाएंगे। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो घी बनना स्टार्ट हो गया है।
कॉर्नर कॉर्नर से हमारा घी बनते आ रहा है, जो खोआ है वो अलग निकलते जा रहा है और वो खोआ घी को छोड़ते जा रहा है। तो इस प्रोसेस से बनाने से थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन घी अच्छे से बन जाता है। इसके अलावा और एक प्रोसेस आता है जिसमें हमें 2 से 3 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, तो मुझे ये वाला प्रोसेस ज़्यादा इजी लगता है, इस वजह से मैं इस प्रोसेस से हर बार बनाती हूँ। तो मैंने आप लोगों के साथ भी यही प्रोसेस शेयर की है, यही रेसिपी शेयर की। अगर आपको लग रहा होगा दूसरा वाला, तो मैं वो भी रेसिपी आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। उसमें 2 से 3 स्टेप हमें फॉलो करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं हमारा घी बन रहा है, हमारा घी अलग छूट रहा है और खोआ ऊपर आते जा रहा है। तो हम इसे एक बार चला लेंगे। बहुत इजी है फ्रेंड्स बनाना। ये देखिए, ये हमारा एकदम प्योर घी बनके तैयार हो चुका है। बस फ्रेंड हमें इतना ध्यान रखना है कि जब हम मलाई स्टोर कर रहे हैं तो उसे हम फ्रिज में ना रखें, फ्रीजर में रखें। उससे हमारा घी और फ्रेश बनेगा। सो फ्रेंड्स, जो लोग नए होते हैं वो इस स्टेज पे बंद कर देते हैं गैस की फ्लेम को और घी निकाल लेते हैं, लेकिन इस स्टेज पे हमारा घी बन तो गया है लेकिन हमारा घी आधा कच्चा है, जिसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो ये देखिए, हमारा घी बन तो गया है लेकिन ये कच्चा है। तो हमें कैसे चेक करना है हमारा घी पूरा तरीके से पका है या नहीं है? तो जो खोआ है फ्रेंड्स, ये देखिए, जो खोआ है अभी भी ये लिक्विड फॉर्म में है। तो जब तक ये थोड़ा कड़ा कड़ा सा ना हो जाए, हल्का सा ब्राउनिश ना हो जाए, तब तक हमें हमारे घी को पकाना। ये देखिए, जो व्हाइट दिख रहा है ये हमारा खोआ है, तो ये अभी भी बहुत पतला है। तो ये जब तक थोड़ा टाइट हो ना जाए, हमारा खोआ थोड़ा हल्का सा ब्राउन ना हो जाए, तब तक हमारा घी पकने का है, ये आप समझ लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, हमारे घी में झाग आ गया है। ये भी एक साइन है पहचानने का कि हमारा घी पका है या नहीं पका है। जब अच्छी तरह से ऊपर झाग आ जाता है, इसका भी मतलब होता है कि हमारा घी बन गया है। और हमारा खोआ जो है, ये देखिए, दाने दाने हो गया है और राउंड में देखिए ब्राउन ब्राउन होके जाके वो चिपक गया है। बहुत से लोग तो इसे इसकी खुशबू से ही पहचान लेते हैं पका है नहीं पका है, लेकिन मैंने ये तय लोगों के लिए बताया है। सो फ्रेंड्स, अब अभी हम हमारे गैस को ऑफ कर देंगे और इसे 10 से 15 मिनट के लिए इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे, रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। उसके बाद में इसे छान के हम एक आधी डिब्बे में इसे रख देंगे स्टोर करके। सो फ्रेंड्स, मैंने इसे छान लिया। आप देख सकते हैं हमारा खोआ एकदम ब्राउनिश कलर में आ गया है। ये रहा हमारा घी, ये गर्म है इसलिए अभी ऐसे दिख रहा है, ठंडा होने के बाद ये व्हाइट कलर में आ जाएगा। तो देखा फ्रेंड्स, एकदम सिंपल तरीके से हमारी घी बन के तैयार हो गया है। तो ये घर पे बनाया हुआ घी है, तो ये एकदम प्योर होगा, तो बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए बहुत हेल्दी होगा। तो आप भी इसे ट्राई कीजिएगा, और आपका घी कैसा बना है ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। और मेरे बाकी के वीडियोस देखने के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। उसी के साथ साथ आप मुझे मेरे सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे फॉलो कर सकते हो, जिसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो मैं मिलती हूँ किसी अच्छे से नेक्स्ट रेसिपी का, तब तक के लिए बाय।